कैसा रहा आज का सफर? ठीक था, धनु ने किया बाणों का सफर। भाइयों, इसने सोना पहना है। संस्कारी सर, जेल में आपका स्वागत है। ये मिट्टी देत लाया हूँ, तीतल के बीच में कमल तिला है। जमन लाल फाइटर, आपके आगमन से ये जेल पवित्र हो गई है। जमन लाल इस देश के जाने माने बुल फाइटर हैं, एक सच्चे हीरो, मतलब असली स्टार। पता है मुझे दमना लाल क्यों कहते हैं? लाल कपड़े की वजह से। मुझे मुश्किल काम बहुत पसंद आते हैं, ज्यादा मजा आता है। इतने टूना मत, आंखों से भी नहीं टूना। सोना, उसने सोना पहना है। ये चलता फिरता डिस्को बॉल, पार्टी करते हैं। शर्माओ मत, चलो नाचो। मैं सोच रहा था कि आपका यहाँ होने का फायदा एक बुल फाइट से लिया जाए। सब कैदी आपका हुनर देखना चाहते हैं। क्या कहते हैं आप? बुल है क्या? यहाँ भैंसे मिलेंगी। क्यों नहीं, मेरे ये बाई हाथ का खेल है। बुल फाइट करना हमारे संस्कार नहीं है। लेकिन ये एक अच्छा खेल है। अच्छा नहीं बुरा, इसमें कोई संस्कार नहीं। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, कोई कसाई नहीं। लेकिन मिस बेटी जमनलाल दुनिया के सबसे फेमस बुल फाइटर है। मेरी मानो तो ये बहुत ही असंस्कारी इंसान है। बुल फाइट की तैयारियां करो, मैं यहाँ का बॉस हूँ और मैंने फैसला कर लिया है, काम पे लग जाओ। हम लोग अब बुल फाइट में भाग लेने वाले। सोने के कपड़े चुरा कर कल्टी खाएंगे, आसान है ना, कोई शक? ओले, हमें वॉलंटियर्स चाहिए। नाम बनेंगे। ये वॉलंटियर बनेंगे, तुम लंबी हाइट वाले गोटू यहाँ पर आ जाओ। ओले, ओ ओ ओ, ओले ओले। क्या बात? आज के बाद मैं कभी बुल नहीं बनूंगा। अब तुम्हारी बारी। तैयार। सॉरी जो, ये बस एक गेम है। हाँ तो गेम खेलते ना। देखो असली फाइट है। शांत हो जाओ, ये फाइटिंग नहीं बुल फाइटिंग है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बुल फाइटिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यो, डांस कंपटीशन, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। देखो मैं मेरे प्लेनेट पर ऐसे नाचता था, मैं विनर भी था। सबको कहा रखे साहब? जब तक ए यानी कि मैं क्यों, मतलब जमनलाल के पास नहीं जाता, तुम बी बाय मुड़कर या सी के पास जाना। सी कौन है? तुम और से। मुझे लगा मैं डी हूँ। नहीं, डी मैं हूँ, तुम सी हो। नहीं, डी वो है क्योंकि सी मैं हूँ। अरे लेकिन अगर सी डी है और बी सी है तो ई कौन है? ई कोई नहीं है, कुछ और सोचना होगा। इससे छोटा भैंसा नहीं मिलेगा क्या? अरे तुम कितने प्यारे हो। ओले ओले। मुझे पता था तुम फाइट देखने जरूर आओगी। मिस्टर
जमनलाल। ये मेरे तनकार है। जो डाल्टन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोने के पतलून पहन रहा हूँ और क्या? अल्ले! चलो मैं बुल फाइटर हूँ। सुनारे पतलून वाला फाइटर। डाल्टन भाग रहे हैं। मेरी पैंट वापस करो अभी के अभी। तलो तलो तलो। ओले ओले ओले। मेरी पैंट वापस चाहिए मुझे। तो शिकार करने के लिए हमें शांत और सतर्क रहना चाहिए हमेशा। वाह क्या ताइल है, क्या बहादुरी है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। इसे कहते हैं संस्कारी स्पोर्ट्समैन जमनलाल। जमनलाल, जज के ऑर्डर के मुताबिक तुम्हारी छुट्टियां अब खत्म होती हैं। अलविदा, फिर मिलेंगे। मैं समझ सकती हूँ, फिर मिलेंगे। अलविदा, सच्चा हीरो और असली स्टार। ये चलो दोस्तों, मेरे साथ नाचो। डाल्टन्स, बस अब बहुत हुआ। ये तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी, क्योंकि सरकार अब तुम्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद करेगी। नहीं नहीं, ये जेल हमारे घर जैसा है जेलर साहब, आप हमें ऐसे नहीं बेच सकते। जेलर साहब, क्या इस महीने की जेल मैगजीन पढ़ी आपने? एक मशीन के बारे में छपा है जो खूंखार मुजरिमों को संस्कारी बना देती है। और साउंड का लेवल कितना करना है? जेलर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? हम इंसान हैं इंसान। शांत हो जाओ जो, इस मशीन की वजह से तुम बहुत जल्द अच्छे आदमी बनने वाले हो और फिर आजादी। आपने कहा आजादी, तो चलेगा। कंटिन्यू मिस बेटी, हमें उड़ा दो। मूवी टाइम, पॉपकॉर्न हो तो मजा आ जाएगा है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेशियस, एक फ्रेंडशिप बनी, और मैं सिखाने आया हूँ ज्यादा मत सोचो और अच्छे बनो। मुश्किल लग रहा है, इतनी देर टिक पाएंगे क्या? एक घंटे की ट्रीटमेंट मतलब एक साल जेल की सजा, तो इनका टोटल हो गया 350 घंटे। हिंसा से ज्यादा हिंसा की प्राप्ति होती है। अपने दिल से दुष्टता को निकाल दो। ट्रीटमेंट खत्म हो गई दोस्तों, जाने का वक्त हो गया है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और भूलना मत, ज्यादा मत सोचो और अच्छे बनो। लेकिन क्लाइमैक्स तो दिखाया ही नहीं, पिंक कैंगरू किधर चला गया? तो कैसा महसूस कर रहे हो? जलेबी की तरह सीधे जेलर साहब, है कि नहीं? ओ, मेरी लापरवाही तो देखो। ये लीजिए जेलर साहब, बंदूक तो बुरे लोगों के लिए होती है ना। ज्यादा मत सोचो और अच्छे बनो। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ, ये रही आजादी। कैंगरू पार्ट 2 मूवी देखने की लाइन यही है क्या? तुम्हारी बहुत याद आएगी डाल्टन्स। डाल्टन्स कहाँ चले गए? मैं मूवी की बिगनिंग मिस कर दूंगा। किसी और के पैसे चुराना ये अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ क्यों आए तुम गंचू? मैं तुम्हें और तुम्हारे बड़े कानों को नहीं देखना चाहता। मूवी में वापस चले जा। ओए उस गुलाबी घोचू को कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारे दिमाग में है, उस ट्रीटमेंट की वजह से तुम्हारा भ्रम है वो भ्रम। अरे नहीं भाई, सच में मेरा दिमाग खाली पड़ा है। तुम ये गुस्सा अपने दिल से हटा दो जो। ठीक है,
बने तुम्हें हटा देता हूँ मैं। हिंसा से ज्यादा हिंसा की प्राप्ति होती है। दिल में प्यार भर दो। फैंटास्टिक कैंगरू मूवी पार्ट टू पहले पार्ट से ज्यादा अच्छी है। मुझे तो मजा आ गया। ये हम क्या कर रहे हैं भाई? ट्रीटमेंट रिवर्स करने के लिए मैंने वो मशीन खरीद दिया है, उस गुलाबी गोचू को तुम्हारे दिमाग से निकालने के लिए। चलो बैठ जाओ। इस बार पॉपकॉर्न का वेट नहीं करूंगा। हड्डी ठीक है। हम कहाँ है भाई? भेजे के अंदर। अब जो चाहे वो कर सकते हैं। चलो भाई लोग, अब जल्दी से काम पर लग जाओ। ए बने। किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? तुम बहुत शरारती हो छोटा अल्टन, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लोग बाल बाल बचे भाई, जरा सोचो अगर उसका दोस्त होता जो बिल्कुल उसकी। भाई मत सोचो, सोचना बंद करो गोचो। और बस तभी मुझे आग दिखाई दी और जलने की बदबू भी आने लगी और मैंने तुरंत फोन कर दिया। शायद ये हमारे संस्कार नहीं है जेलर साहब। लेकिन मिस बेटी शांति हो गई, सरकार को चिट्ठी लिखकर मशीन अप्रूव करवा देता हूँ। ये क्या तुमने सुना डाल्टन्स? कैंगरू पार्ट 3 बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, मजा आएगा है ना? अच्छे बनो। ध्यान से। चिंता मत करो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल। ये महाशय कौन है जेलर साहब? मिस्टर सिडनी वाला भी एक बॉक्सिंग संचालक है। लाइफ में स्पोर्ट्स आ जाए तो मजा ही आ जाए। सुनो, जो भी मेरे चैंपियन को हरा के दिखाएगा उसे मेरी तरफ से मिलेंगे पूरे 100 रुपए। 100? वो तो उसे देख के ये डिसाइड करेंगे हम। और जीतने वाले की सजा 1 साल तक कम की जाएगी। जो कि नामुमकिन है क्योंकि इसे कोई नहीं हरा सकता। ये एक ऑस्ट्रेलियन कैंगरू है। ये डॉगी मुझसे कितना बड़ा है, लगता है कोई और प्लेनेट से आया होगा। क्या बाउंस करता है, पाव एक स्प्रिंग। भाइयों एक मस्त वाला आइडिया आया है। अगर मैं इसे अपने वश में कर लेता हूँ तो मैं बाहर जाके चाबियां लेकर दरवाजा खोल सकता हूँ और फिर आजाद है। लेकिन उसे वश में करोगे कैसे? टाटा। लड़ाई करवाना ये हमारे संस्कार नहीं है। बहुत अच्छे, मजा आ गया। अगला कौन है? आराम से लड़ने कहा था, सब डर जाएंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे? कभी मेरी बात सुनते ही नहीं ये। मेरा दोस्त,
मुझे यहाँ से बाहर ले चलोगे ना तो मैं तुम्हें बड़ा गाजर दूंगा, कोई शक? ये तो मान गए, चलो तो फिर चलते हैं। महिला कैंगरू को अपने बच्चे बहुत पसंद होते हैं। वो जगह तुम्हारी नहीं बल्कि उसके बच्चों की, इसलिए लात मार दी तुम्हें। अगर ऐसी बात है तो एक और मस्त वाला आइडिया आया है। ठीक है, अच्छा से प्लान सुनो। कोई भी हंसा तो इसे से मारूंगा। अब सुनो, उसे लगेगा कि मैं बेबी कैंगरू, वो मुझे गोदी में बैठा कर बाहर ले जाएगी। ये डॉगी कितना छोटा है, लगता है ये भी मेरे प्लेनेट से नहीं है। उसने अपना लिया। ये कौन है? वो तुम्हारा भाई है जो छोटी छोटी बातों पे लड़ने वाला भाई। यही सही मौका है। काम होने तक बेबी कैंगरू को नजदीक मत आने देना। लेकिन है कहाँ वो? भागता कहाँ? रुक, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। लगता है बड़े डॉगी को छोटा डॉगी पसंद नहीं आया, इसलिए उसकी जमकर पिटाई कर रहा है। बढ़िया है। ये संस्कारी कौन है? कैंगरू का बच्चा? ये तुम्हें कहाँ से मिला? देखो कितना छोटा और संस्कारी है, है ना? मुझे चक्कर आ रहा है। ये देखो, स्वादिष्ट गाजर है। लेकिन मम्मी, अब वो दीवार के उस पार है। चेरू की तरह दौड़ के लकड़ी लेके आओगे? जाओ जाकर ले आओ, जाओ। चैंपियन, थोड़ी कसरत कर लो अब। क्यों ना बात? मैं बाहर जाकर दरवाजा खोलता हूँ, तुम लोग तैयार रहना। जाबे, बाय गोचु, फिर मिलेंगे। मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो। मुझे तुम्हारी भाषा आती है। लगता है मैंने स्पेलिंग गलत बोल दिया। भाई, तुम ठीक तो हो? भाई, चाबियां मिल गई क्या? हाँ, ले, ये लो। चलो, अब हमें जाना होगा। काश कि ये कुछ वक्त और यहाँ रुक पाते। इसका बच्चा काफी शरारती है। तो तुम थे जिसने मेरी चाबियाँ ले ली थी। मैं सोचने लग गया कि लॉन्ड्री रूम की चाबी कौन ले गया है। मैं नहीं हूँ, तुम्हारा असली बच्चा वो अंदर है। अरे मैंने कहा ना, मैं नहीं हूँ। बताइयो, बताइयो। भाई, ये है आजा फसा जा कंपनी से मिस्टर गप्पू। संस्कारी? मॉडर्नाइजेशन के स्पेशलिस्ट हैं। कितना संस्कारी है, किसका
मॉडर्नाइजेशन? हर एक चीज मॉडर्नाइजेशन लोगों को खूबसूरत बना देता है। मिस्टर गप्पू हमारे जेल को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। और इसकी चाबी है ऑटोमेशन। ये अंग्रेजी में का पटर पटर कर रहा है? मशीन्स और टेक्नोलॉजी की मदद से पहिए घूमेंगे और सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैदी ऑटोमेटिकली उठेंगे, नहाएंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे और पत्थर भी तोड़ेंगे ऑटोमेटिकली। और तो और, जेल का दरवाजा भी पासवर्ड से ही खुलेगा। चावी और गार्ड्स की कोई जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। हम लोग का घास छिलने जाएंगे चपड़गंजो। बुढ़ाओ और कितना काम करेगा, तू भी मॉडर्न बन जाना। गार्ड साहब ये क्या हो रहा है? जेल को मॉडर्न बना रहे हैं। गप्पू बोल रहा था कि सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक्सेलेंट। और दरवाजा खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड कोई भी नंबर का सीक्वेंस हो सकता है, जैसे बर्थडे। हमको बर्थडे याद नहीं रहता। मुझे रहता है, लेकिन पासवर्ड के लायक नहीं है। तुम तो कार्ड बनने के भी लायक नहीं हो। मशीन्स का सारा मैकेनिज्म और कंट्रोल यहीं से होता है। क्या आप इस मॉडर्न चील का मॉडर्न केबिन देखना चाहेंगे? इस चाबी का गड्ढा कहाँ गया भाई? शायद नीचे गिर गया होगा। आपको डेमो देता हूँ। खुलेगा दरवाजा ऑटोमेटिकली। आपके गार्ड्स को ये मॉडर्नाइजेशन कुछ खास पसंद नहीं आया। ये सीढ़ी अपने आप कैसे चल रही है और ये जहाँ कह रही है? ये था पूरे सेटअप का डेमो। एक जगह पर बैठकर सारा जेल चलेगा एक उंगली से। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। मस्त है ना? बिल्कुल मस्त वाला आइडिया है। यस, क्या काम है? तो बताओ इसे चलाते कैसे? सॉरी, बंद कैसे करते हैं? मिस्टर गप्पू, एक मॉडर्निटी प्रॉब्लम हुई है लगता है। क्या बात है, बस एक उंगली काफी है। डाल्टन्स भाग रहे हैं। गार्ड्स गार्ड्स उन्हें रोको। जाओ अपने गप्पू को बोलो, उसके पास इसका भी मॉडर्न सॉल्यूशन होगा। ये क्या, चाबी का छेद गायब हो गया? अरे ये सारे छेद एक साथ छुट्टी पे गए हैं क्या? अरे नहीं, मुझे घुमाना बंद करो। दरवाजा पासवर्ड से खुलेगा। क्या रखा है पासवर्ड? मुझे नहीं पता, गार्ड्स ने शेरू के कान के नीचे लिखा है। डाल्टन्स, मैं पासवर्ड नहीं दूंगा। मुझे मेरे प्लैनेट पर वापस जाना है, यहाँ नहीं रहना। Nice work!
मॉडर्नाइजेशन वही हो सकता है जहां लोग पहले से ही मॉडर्न हो। हाँ, 20-30 साल के बाद आना मिस्टर गप्पू। अपना पासवर्ड तो लेता जा। मुझे तो इनके बनाए हुए रोलर कोस्टर राइड्स में खेलकर बड़ा मजा आया, अपने प्लेनेट की याद आई। दरवाजा खोल दो। जगह ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बड़ी, मैंने इन बाणों का पीछा किया है। मिस्टर पीबॉडी जी, मेरे साथ जल्दी चलो। ये देखिए, शानदार है ना? और ये क्या है? एक पर्सनल फव्वारा। साथ में नहाना हमारे संस्कार नहीं। मुझे कैदियों को उनकी प्राइवेसी वापस देनी है। अगला। एक मस्त वाला आइडिया आया। फव्वारा मतलब पाइप, और पाइप मतलब पाइप का मतलब वो नाले, और नाले का मतलब हुआ छुटकारा। अरे क्या हुआ, छुटकारा नहीं? ये फिर से बार आ गया है, अपना दिमाग लगाना बंद करो। कोई शक? अरे डरो मत, बच्चे की जान लोगे क्या? ठीक है, अब हम लोग यहाँ से भागना शुरू करेंगे। बिना गड्ढे खोदे यहाँ से कैसे निकलेंगे? तेरा भाई और उसके सिपाही कुछ भी कर सकते हैं। एलियंस आ गए हैं मुझे अपने प्लैनेट वापस ले जाने के लिए। इश, यला। इश, ये क्या किया? ये मत चला। क्या बात, छोटी है, मुझे धकेलो नीचे। और चिलगोजा मानव भेजा इस्तेमाल करने का था। और कोच, वो तुम लोग रहने दो, मैं कुछ सोचता हूँ। चलो जाओ, साबुन लेके आओ। अच्छा, तो साबुन ऐसा दिखता है? इस इतने से क्या होगा, बाकी सब एवरल खा गया। चलो ऑपरेशन साबुन शुरू करते हैं। इतना लंबा चाहिए, कोई शक? अरे देखो, शक तो है, तुम्हारा इतना सा हमारा इतना सा होता है कि नहीं? तुम मुझे साबुन दो, मैं तुम्हें हड्डी दूंगा। मैं मेरा साबुन किसी और को नहाने नहीं देता हूँ, लेकिन हड्डी के लिए कुछ भी। मुझे शक है इससे कुछ नहीं होगा। We have to change the plan. साबुन का ऑर्डर? जेलर साहब, यह जगह बहुत गंदी रहती है, और वैसे भी हमारे 8 हाथ है, 8 पैर है, और 4 नाक। स्वच्छता ही सफलता की चाबी है, और यही तो हमारे संस्कार है ना? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। ये आइडिया सबको बहुत पसंद आएगा। मेरा साबुन, नाइ। कितनी अच्छी खुशबू, ऐसे तो खा सकते हैं। चलो नहाने का टाइम हो गया।
ये एलियंस मेरे सपने में आए हैं, शायद इस बार तो मुझे ले ही जाएंगे। अब हम लोग मस्के की तरह घुस जाएंगे। यश, रचल गोजो, इतना बढ़िया प्लान बनाया, कोई तो तारीफ करो मेरे। अरे भाइयों, मैं बता गया हूँ, हम लोग इधर हैं। अरे इधर किधर? वहाँ वहाँ। अच्छा वहाँ, किसी के पास इस जगह का नक्शा है क्या? भाई के प्लान पे शक नहीं करते। ये क्या, आज काले धुएं की जगह बुलबुले? बुलबुले देख के मुझे गुदगुदी होने लगती है। एक ही बार में उड़ा दूंगा, लगी 10 की। लग गए। बंदूक नहीं पीट, इन डाल्टन से हम और 100 साल तक काम करवाएंगे। बंदूक नहीं तो डांट से सही। मेरे गांव वाले आ गए, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तैयार हूँ। अपने सेल में जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। और हाँ, ये फव्वारा निकाल दो और आगे से ध्यान रखना। पी बोरी जी, इतना अच्छा फव्वारा वेस्ट करना हमारे संस्कार नहीं। अब और खर्चा नहीं। लगाए ब्लू टीम पर 10-10 का। लगी। एक मस्त वाला आइडिया है। वो एक बहुत ही संस्कारी दिन था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक बहुत ही असंस्कारी घटना घटी। उसने चॉकलेट का रैपर खोला लेकिन अंदर चॉकलेट ही नहीं थी। यार ये क्या, तुम बच्चों की कहानियां सुन रहे हो? आजाद होने का सोचो। जितनी किताबें पढ़ोगे उतने ही आजाद रहोगे। पढ़ना यही हमारे संस्कार है और आजादी की खिड़की भी यही है। जितना पढ़ोगे उतना आजाद होगे। आजाद है ये। वाह वाह, पहली बार मैं डाल्टन्स के हाथों में किताबें देख रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ? देख नहीं रहा, गड्ढा खोद रहा हूँ। संस्कारी मैडम ने कहा है हमें किताबों से आजादी मिलेगी। अकल के दुश्मन, उनका कहने का मतलब था किताबें पढ़ने से आजादी मिलेगी, किताबों से खोदने से नहीं। अब चलो जल्दी से पढ़ना शुरू करो। ये क्या है? ये एक तर राजा के आज पहले 5,000 साल पहले क्या हम आजाद हो गए? अब तक तो नहीं है। पढ़ते रहो। हम अभी भी यही है और नहीं क्या आजाद हो गए क्या? हम अभी भी यहीं पर है। भाइयों जल्दी से उठ जाओ, मिल गया एक मस्त आइडिया। हम वैसे ही भागेंगे जैसे ये चूहा पिंजरे से भागा था, मार के। मुझे पता है डाल्टन्स ने फिर भागने की कोशिश की होगी। उससे भी बुरा हुआ। Thank you.
ये सब तो टपक गए। कल तो बेचारे किताबें पढ़ रहे थे। स्टैचू वाला गेम, हिला मत, मैं भी खेलूंगा। खाना तैयार है, आ जाओ। खाना मैं आ रहा हूँ। एक बंदा आउट हो गया। चलो सब इमरजेंसी। डाल्टन्स फिर से मर गए। दूसरा राउंड। सॉरी भाइयों, मुझे माफ करो, मैं अपने आप को पैसों के आगे रोक नहीं सका। हम सभी की कोई ना कोई कमजोरी है। मैं फिर जीत गया। जेलर साहब, इमरजेंसी। बस अब बहुत हुआ, हम साइंस की हेल्प लेके पता लगाएंगे कि सच क्या है। जो आउट। जैक आउट। विलियम तुम भी आउट। बकवास, उस चूहे वाली किताब में सब कुछ बेकार लिखा था। डाल्टन्स, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। एवरल हमारे तीसरा राउंड कब शुरू होगा, बताओ ना। ये शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतनी मेहनत करने के बाद आराम करना बनता ही है। मेरे भाई। खाना तैयार है। पहली बार तुम हमारे किसी काम आ रहे हो एवरल। बस ये मरने का नाटक चालू रहने दो ताकि हम यहाँ से भाग सके। नाटक? लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा कम खाएगा तो पतला नहीं हो जाएगा। एक्चुअली मुझे पतला होना है। हाँ तो फिर बाद में खा लेना। अरे नहीं नहीं, खाना तो मुझे अभी चाहिए। मैं तुम्हें बाहर बहुत सारा खाना खिलाऊंगा, लेकिन पहले तुम अपनी आखिरी इच्छा लिखो कि तुम्हारा अंतिम संस्कार हम तीनों अपने गाँव में ही करें। वो करने हम बाहर जाएंगे और बाहर से फिर। एवरल जो बहुत खाना खाता था, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। इसका मतलब अब हम सबको भरपेट खाना मिलेगा। मैं ये नहीं देख सकता। गार्ड्स, दरवाजा खोलो। रुक जा। एवरल ने अपनी अंतिम इच्छा लिखी थी कि उसे वो दीवाल के सुरंग से बाहर निकाला जाए जो वो कभी पार नहीं कर सका। तो नहीं जा रहा है इसमें से। नहीं, इसे जाना ही होगा, वरना भाग नहीं पाएंगे। मैं दूसरी तरफ जाके कोशिश करता हूँ। तुम धक्का देना। चलो धक्का दो। बहुत भारी है। मुझे लगता है ये तीन लोगों का काम नहीं है। अरे तो मैं हूँ ना छोटा, मिलकर काम करेंगे भाइयों। अकल के दुश्मन, अगर तू ना होता तो हम कब के भाग जाते। मेरे किताब का क्लाइमेक्स बिल्कुल ऐसा ही था। मैं एक किताब लिखूंगा और उसके क्लाइमेक्स में मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। ये लॉन्ड्री मशीन जरा जैम हो गई है, हमें एग्जॉस्ट पाइप को साफ करना होगा। लो, अब हो गई लॉन्ड्री मशीन पूरी तरह से साफ। एक ग्रिल डाल्टन कबाब तैयार, कड़क। वो आसमान में क्या दिख रहा है? गांव वालों ने हम पर हमला बोल दिया है। हम सब की जान खतरे में है। आ गए।
मिलिट्री सही वक्त पर आ गई, कमाल हो गया। अजी सीनियर मिलिट्री ऑफिसर सिंह दुश्मनों से बचाने को आ गया है। लेकिन तुम्हारी सेना कहाँ है? 3 दिन से गायब है। 3 दिन? 3 दिन में तो वो 30 बार हमला बोल देंगे। फिक्र नहीं, मैं तो डिक्पिद्दी कैदियों को एक सशक्त सेना में बदल दूंगा। क्या तुम सच में इन कैदियों को सिपाही बना पाओगे? मुझे मेरे हाथ दांव पे लगाता। मैं गांव के लोगों के साथ बहुत बार लड़ा हूँ और जिंदा वापस आया हूँ थोड़ी सी क्रोच के साथ। डेमो दिखाता हूँ। ओए तू दड़ियल सुन तो। कौन मैं? गांव का आदमी बन जा। गांव का आदमी? गांव का आदमी बन जाओ। ए! जिंगा लाला जिंगा जिंगा लाला जिंगो। लो जी शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। डिसिप्लिन सावधान। बाय मुड़ेंगे। बाय मुड़। एक दो। मैं जानता हूँ मेरे एलियन दोस्त मुझे लेने वापस आ गए हैं। क्या तुम मेरे एलियन दोस्त के मैसेंजर हो? करो है सावधान। अद्धे दाए मुड़ेंगे। दाए मुड़। पैर सीधे। कपड़े भी सीधे। ओए मेरे सैनिकों, अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। क्या तुम तैयार हो? कुछ को कुछ सुनाई नहीं दिया? यस सर, हम तैयार हैं। सर, हमें लड़ाई करनी है लेकिन हमें हथियार चाहिए सर। ब्रावो, ओए, एक बच्चा जिसे लड़ना पसंद है। चिंता मत कर, तुझे हथियार मिल जाएगा। इससे तुम्हें बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचेगी। तुम सबको बहुत ही शक्तिशाली बना दूंगा। अरे वाह, इस पिकनिक में तो गेम्स भी हैं। वाह जो, तुम तो जीत गए। इस पत्थर को ऐसे इस्तेमाल करना है जैसे बस यही तुम्हारा हथियार हो, समझ गए ना बच्चू? हो जाओ अपने साथियों के साथ बैठ जाओ। ओए तुम चारों कहाँ जा रहे हो? बाहर कतरा है, चलो अंदर आ जाओ। नहीं बस अब बात हुआ, उस ऑफिसर को लड़ाई करने का शौक है ना? धुआ कहां से? लॉन्ड्री जला दी, गांव वालों ने हम पे हमला कर दिया। हमारे हमें भी साथ में ले चलो। ये मत सोचना कि मैं डरपोक हूँ, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ ताकि मैं जेल के पैसे बचा सकूँ। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तुम लोग हमारी पार्टी बिगाड़ रहे हो जबकि हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। इतना धुआं धुआं क्या है? क्या कहा, पार्टी? कैसी पार्टी? हर साल हम हमारे बहादुर निडर पूर्वजों का शुक्रिया अदा करने के लिए एक पार्टी रखते हैं। ओए तुम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे क्या? नहीं नहीं, जरा सिर्फ पार्टी, सिर्फ पार्टी, आना है तो आ जाओ। आ
अगर गांव के लोगों ने लॉन्ड्री में आग नहीं लगाई तो किसने लगाई? हमें क्या पता था बिटिया को लड़का पसंद आ जाएगा? दोस्तों, ये है संस्कारी प्रोफेसर फ्रूट नूडल और ये कोई मामूली प्रोफेसर नहीं है। प्रोफेसर होने के साथ साथ ये एक डॉक्टर भी है और आज आप सबसे मिलने आए हैं। डॉक्टर, कोई बीमार है क्या? हाँ, तुम्हारा दिमाग। लेकिन मेरे अनोखे आविष्कार के जरिए तुम ठीक हो जाओगे। अपने बचपन के बारे में बताओ। ठीक है, मैं जब छोटा था तब एक्टर बनना चाहता था, लेकिन बड़ा होके कोई बात नहीं, बात एक ही है, तुम बैंक में चोरी करते हो ताकि ऑडियंस को वो परफॉर्मेंस दिखा सको। हाँ, अब सही कह रहे हैं, मैं एक्टर हूँ, चोर नहीं, मैं एक्टर हूँ, एक्टर। अगला कौन है? इस डॉक्टर ने तो थोड़ी देर में सबके दिमाग में भूसा भर दिया है। हम अपने दिमाग पर कोई असर होने नहीं देंगे और यहाँ से निकल लेंगे। डाल्टन्स, अब तुम्हारी बारी। कान बंद कर लो भाइयों। अंदर आ जाओ, अपनी आंखों से देखो, अब ये चार चोर नहीं रहे। डॉक्टर साहब, हर इंसान को आपसे इलाज करवाना चाहिए, कोई शक? हाँ हाँ, इसमें कोई शक नहीं, यहाँ पर मेरे साथ आओ। अब देखना जेलर साहब के दिमाग में कैसे भूसा भरेगा। बचपन का सपना पूरा हो जाने पर मजा आ गया, मेरा अपना चिड़िया घर। ये चार भेड़िए कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जेलर साहब, हम भेड़िए नहीं हैं। ये भूसा तो हम पे भारी गिर गया भाई। अरे भाई, मतलब हम सच में भेड़िए हैं? हाँ हाँ अवरल, हम सच में भेड़िए हैं। ये सब क्या है? अगर ये कह रहा है कि मैं एक भेड़िया हूँ, इसका मतलब मैं भी इनकी फैमिली में से हूँ। बैठो, बैठ जाओ, उठो, गुड। कांग्रेचुलेशंस मिस बेटी, सही मायने में यही तुम्हारे असली संस्कार हैं। संस्कारी रिंग मास्टर बनना मेरा सपना था। रुका, मैं जो देख रहा हूँ तुम लोग भी देख रहे हो भैया। जो भैया मुसीबत में है, शेरू आ रहा है बचाने। थोड़ी सी दवाई तुम सबकी अकल ठिकाने लगा देगी। नहीं, नहीं, कोचो, ये क्या है? मेरे भाई, ये नौटंकी और कितनी देर तक चलने वाली है? हाँ, एक मस्त वाला आइडिया आया है। जेलर साहब, अगर सरकार को इस गैर कानूनी चिड़ियाघर का पता चल गया ना, तो तुम्हारा सपना टूट जाएगा। देखो, मैं उन्हें चिट्ठी लिख रहा हूँ। भेड़ियों को लिखना भी आता है। संस्कारी, हमें इन पशुओं को खुला छोड़ देना चाहिए। ये लो, तुम आजाद हो। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अत्याचारी जेलर हूँ। क्या कर रहे हो जेलर? वो कैदी है, कोई पशु नहीं है। कितना शरारती भेड़िया है ये। एक और शब्द कहना तो देख लेना, समझे? जेलर साहब, डॉक्टर साहब हमारे साथ रहकर हमारा ध्यान रखना चाहते, कुछ हवा की तरह उड़ो, पानी की तरह बहो। हम चिट्ठी लिखते रहेंगे। मेरे भाई। हाँ, देखो हमारे कजिन्स। पापा, क्या ये आप हो? ए,
कहाँ जा रहे थे डॉक्टर साहब? अब से तुम हमारे साथी हो, समझे क्या? देखा भाई, यहाँ हमारा पूरा परिवार है। भाइयों, इनका खाना बनने से पहले नाटक शुरू कर दो। हम लोग बच गए। इससे पहले ये जाग जाए मैं निकलना होगा। लेकिन भाई, परिवार को छोड़कर कैसे जाएं? बकवास बंद करो घोचो, तुम एक भेड़िया नहीं हो। क्या? मैं एक भेड़िया नहीं हूँ। सब जान बचा कर भागो। हम आजाद हो गए। ये लीजिए, आपके भेड़िए रेगिस्तान में गुम हो गए थे। ओ, कोई बात नहीं। अगर मैं सच में डॉक्टर बन जाता तो मुझे ये संशोधन करके लोगों को धोखा ना देना पड़ता। धोखा देना? तो तुम डॉक्टर नहीं हो। मेरी जेल, इसकी क्या हालत बना रखी है तुमने? बांध देना बंद करो घोचो। लेकिन मैं क्या करूं भाई, मैं तो एक भेड़िया हूँ ना। भेड़िया अरे वाह, एसी मस्त चालू है। बेवकूफ, पहले चाबी ढूंढो। धीरे से, वरना गार्ड सुन लेंगे। बस कर लंबो चान। ये बटन दबाता हूँ तो अचानक से अलार्म क्यों बज रहा है? इन्हें इस बार चेन से बांध दो। एवरल, अगली बार याद दिलाना तुम्हारे बगैर ही भागना है। 6 फुट लंबे चौड़े 20 साल के जवान के लिए चाहिए शादी करने के लिए एक खूबसूरत लड़की। डायरेक्टर ने न्यूज़पेपर में ये ऐड दी है, ये उस डेस्क पर था। ये एक मस्त वाला आइडिया आया है। जेलर साहब, आपसे कोई मिलने आया है। पीबॉडी, माधव पीबॉडी, यहाँ का जेलर, और आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? मैं हूँ मोना, मोना मेम साहब। आपकी शक्ल डाल्टन भाइयों से बहुत मिलती है। डाल्टन वो मशहूर लफंगे है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, खासकर जो की। तुम्हारा मतलब वो ठिंगू चंद? नहीं, वो तो हैंडसम है। लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अपनी मदद अपने पास रखो। यहाँ रात को बहुत डरावनी आवाजें आती हैं। आप यहाँ कमरे में सो सकती हैं, बिल्कुल मेरे बगल में। हे, ये भाई वापस आ जाओ, गार्ड्स गिनती कर रहे हैं। ईश, ठीक है ना मोना मेम साहब? Yeah.
भैया कल मोना जेलर के साथ डिनर पर जाने वाली है और वहाँ हम चार वेटर बन के जाएंगे। समझ नहीं आया क्या? भागने के लिए यही सही मौका है। सिर्फ हम चार वहाँ से चुपचाप रफू चक करोंगे। तू और मोना मैडम एक ही वक्त पे साथ में? ईश, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शायद वो लेट है, मतलब मैं जल्दी आ गया। गए चार आए तीन। मुझे पता है तुम वहां अंदर छुपे हो। वेलकम, आखिर आप आ ही गए। लेकिन जो कहां है? तुम मेरी राह देख रहे थे कि जो की मैं आऊं तो जो का क्या काम? मोना जी सच कहूं तो आपके साथ डिनर करने में बहुत मजा आया। थोड़ा सा और दमालू मिलेगा क्या? एक लंबे वॉक पर चले, सिर्फ आप मैं और चार। डरिएगा नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते। मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। ए, ये कैसी आवाज है? देखिए टूटता तारा, कुछ विश करते हैं। पहले मैं। लेडीज फर्स्ट। अपने हाथ ऊपर कर जलार। मोना ये सब क्या है? मुझे मत मारो। सोचो मत भागो यहाँ से। मोना मेरी मेम साहब वापस आओ। मेरी हड्डी टूट गया। मोना तुम एक मुजरिम हो और मैं एक जेलर, ये तो रब ने बना दी जोड़ी है। प्यार अंधा होता है। ये तुम कितने बेवकूफ हो। ना मैं मोना हूँ ना मैं मैडम हूँ, मैं जो जो। ये क्या, आप दोनों शादी करेंगे? कोई अलग ना समझा। चलो डाल्टन्स वापस अपने पिंजरे में चलो। हमें माँ को शादी करने होता भेजना होगा ना जो। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये गंदगी देखो, ये जेल है क्या? जेल कम कूड़ा पत्ती ज्यादा लग रही है और चिड़ियाघर भी। चलो भागो यहाँ से। ये अपने आप को एरोप्लेन समझते क्या? इतना बड़ा बोर्ड, चिकन लग रहा है। काफी बड़ा वाला चिकन है ये। एवरियल भागो वहां से। अरे तुम ये कुकी खाना चाहोगे? हाँ। ओ, तुम कितने प्यारे हो। भाइयों मुझे लगता है कि ये पंछी हमें उठाकर जेल के उस पार ले जा सकता है। लेकिन एवरिल उड़ नहीं सकता ना। अरे घोंचो, मैं उस चिकन की बात कर रहा हूँ। एवरिल से कहते हैं कि उसे ट्रेन करे, हमको मिलेगी आजादी। एवरिल कहाँ है? ये क्या है? अरे ये इस फ्लूट से मैं चमेली को बुलाऊंगा। किसे बुलाओगा? अरे चमेली को, फ्लूट सुन के वह तुरंत आ जाएगी। कहा था ना मैंने, चलो हाय बोलो। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले हम उड़ेंगे। जाक पहले तुम जाओ। हे, क्या तुम मेरे प्लेनेट से आए हो? मुझे कब ले जाओगे बताओ?
अरे वाह, अभी ले जा रहे हो? क्या बात है, मैं बहुत खुश हूँ। चमेली प्लीज शेरू को छोड़ दो। जाक इससे पहले मेरा टेम्पर गरम हो इसे हटा। और अब बेवकूफ चेरू को हटा। स्टेप टू, एरोप्लेन। आपातकालीन स्थिति के दौरान ऊपर से ऑक्सीजन की थैली गिरेगी। पहले खुद की मदद करना फिर दूसरों की, समझे? मुझे ठीक नहीं लग रहा, हम बहुत ऊपर आ गए हैं, थोड़ा नीचे उड़ सकते हैं क्या? स्टेप थ्री, लैंडिंग। भूलना मत चमेली, आराम से। बहुत खूब चमेली, तुमने देखा जो? तुम लोग चिड़िया के साथ क्या कबड्डी खेल रहे हो? इसे ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि ये नाच सके। ये चिड़िया नाच सकती है पता है क्या? ये देखो। अभी एक टांग से नाचती है। अरे पहले क्यों नहीं बताया हम डांस सिखा रहे हैं? मैं इसे भागने की ट्रेनिंग दे रहा था। क्या ये पक्का तैयार है? पक्का, हमने सारी तैयारी की है। चमेली मेरी तरह ही बहुत होशियार है। पता नहीं लेकिन मुझे अभी भी डाउट है। भाई तुम ये क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी चेकिंग। कहीं तुम प्लेन में कोई खतरनाक चीज तो नहीं ले जा रहे? ये क्या, मेरा टूथब्रश क्यों फेंका? ये गांव का सरदार यहाँ क्यों आया? टेलर, हम चंपा को वापस लेने आए हैं। वैसे ये कौन है? चंपा? चंपा गांव की पवित्र चिड़िया है, वो गांव को बचा देती है। चंपा के बिना हमारा गांव अधूरा महसूस कर रहा है। कुछ समझे, ये चिकन नहीं है तो सारा सा प्लान ए छोड़ो, एक मस्त वाला प्लान बी आईडिया आया है, चलो समझाता हूँ। चंपा चिंगा लाला हू हू चिंगा लाला हू, बोला ये। वो चंपा को बोर्ड लैंग्वेज में वापस अपने गांव आने के लिए कह रहा है। फिर मिलते हैं जेलर। हाँ फिर मिलते हैं सरदार, बाय बाय। इस लंगोट में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ तो मैं भी नहीं हूँ, समझे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, भागना है तो ये करना पड़ेगा, समझे क्या? यकीन नहीं हो रहा, डाल्टन चंपा की मदद से भाग रहे हैं। ये क्या, मुझे ले जाने के बजाय वो उन बच्चों को ले जा रही है। आसमान साफ है और हम उड़ रहे हैं 128 मीटर एल्टीट्यूड पर। तुम्हें कैसे पता 128 मीटर ऊपर है? लेकिन भाई हम लैंड कहाँ करने वाले हैं बताओ? तो अब चमेली को ही पता। जादूगर जोजो, जादूगर जोजो, जल्दी आ जाओ, चंपा बच्चों के साथ वापस आ गई है। लेकिन इस साल बच्चों की शक्ल बड़ी खराब है। चंपा तुम वापस घर आ गई? मैं जेलर को बताता हूँ, किसी और को भी तो घर वापस भेजना है। हर बार मैं ही